शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25/8/11 और मीठे मीठे बाप दादा की मुरली का आज का हेडिंग भी बड़ा प्यारा है, मीठे मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना। प्यार बहुत मीठी चीज है, इससे किसी को भी वश कर सकते हो। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने व दी बेस्ट बनने की कौन सी युक्ति बताते हैं? उत्तर है, दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनो, एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक दो। दूसरी बात है, स्वयं ईश्वर बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में रेगुलर बनो, जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे अपने मैनर्स सुधारेंगे उतना दी बेस्ट बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वरीय सर्विस में कभी थकना नहीं है। अच्छा, टीचर बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर दो है, याद के बल से आत्मा को कंचन बनाना है, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जानते हैं कि अभी हम नरक का किनारा छोड़कर आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये बीच का युग है। बीच के दरिया सागर में तुम्हारी नाव है, बोट है। हाँ, तो संगम युग क्या हो गया, एक बाजू कलयुग एक बाजू सतयुग और उसके बीच में संगम युग, और उसमें जैसे मध्य दरिया बीच दरिया में हमारी नाव होती है, ऐसे नाव है। तुम न हो सतयुगी न हो कलयुगी, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है, ये एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है, अरे भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, अभी हो हम सब ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण से सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही तो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ही यह बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, बुद्धि में सारा दिन ये बातें सिमरण में होनी चाहिए। अच्छा, वरदान है आज का, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। क्योंकि जो कोमल दिल वाले होते हैं ना, उनको बार बार जल्दी रोना आ जाता है, क्योंकि वे बड़े भावुक होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनो, तो इसीलिए अपनी परिवर्तन की गति को बढ़ाकर हम कोमल स्वभाव को चेंज करें। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बने। कर्म में कभी भी कोमल नहीं बनना, कर्म कोमलता से नहीं करने का, कर्म शक्ति स्वरूप होकर करने का, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन
पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है आज का, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। मनसा सेवा के लिए आज का संकल्प, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशंस से, वृत्ति से और शुभ भावनाओं से दूसरों की माया भी सहज भाग जाए। अच्छा, आज की तारीख से कुछ याद आता है? आज है 25/8/11, तो क्या याद आया? जी हाँ, अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादी माँ, हाँ, जो प्रकाशमणि दादी थी, जिस प्रकाशमणि दादी ने पूरे विश्व के अंदर सेवाएं करके और अपने ममता के, ज्ञान के, शक्ति के, प्रेम के, हाँ, क्या से क्या महिमा करूं मैं अपनी प्यारी मीठी दादी माँ की। तो आज दादी माँ का पुण्य स्मृति दिवस है, तो हम दादी जी की कुछ अनमोल प्रेरणाएं इस स्मृति दिवस पर विशेष उपहार के रूप में सुनेंगे। नंबर एक है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है, इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरी बात, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों की नूर हैं, भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकते। नंबर तीन है, हम सब का दिलबर और राहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना, कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करना। चार, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह भी ना आए, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण या अपने परिवार का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हर एक को खुश नसीब बना दे। नंबर पांच, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट और माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। नंबर छह, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना, आपसी मन मुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है और इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। नंबर सात, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मते नहीं होंगी, हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। नंबर आठ, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो, हाँ, वेली बनो जो आपको देखकर हर संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। नंबर नौ, चार मंत्र याद रखना, एक तो कभी अलबेला नहीं बनना, दूसरा सदा अलर्ट रहना, किसी से भी घृणा नहीं करना, सभी के प्रति शुभ भावना रखना, तीसरा किसी से भी ईर्ष्या रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना, चौथा कभी कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु या वैभव पर प्रभावित होते हो वो नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। और नंबर दस, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना और सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति।